दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। तो लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और लॉकडाउन 3.0 की तैयारियां भी सरकार अपने अपने स्तर पर कर रही है। जब से लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तब से लगातार अजमेर शहर के अंदर कई समाजसेवी संस्थाओं ने अपने स्तर पर काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की थी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। और इसके लिए अजमेर के व्यापारियों ने, अजमेर के भामाशाहों ने और अजमेर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने बीड़ा भी उठाया, जमकर काम किया। ग्राउंड पर नीचे जमीनी स्तर पर जाकर लोगों ने अपनी सेवाएँ दी और उसी सेवाओं के मद्देनज़र कई ऐसे लोग हैं जो गुमनाम हैं, कई लोग हैं जो सामने नहीं आए लेकिन अपनी सेवाएँ आम जन तक पहुँचाते रहे। सद्गुरु ग्रुप के राजा थरवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इनका ग्रुप लगातार लोगों तक राशन सामग्री, प्रशासनिक अधिकारियों तक और अस्पताल तक पीपी किट मुहैया कराता रहा। पीएम और सीएम केयर फंड में इन्होंने धनराशि भी दी। कितनी धनराशि दी, किस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन 2.0 तक काम किया, कैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों तक सहायता पहुँचाई, ये सारी बातें हम इन्हीं से जान लेते हैं। तो राजा थरवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सद्गुरु ग्रुप ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2.0 में क्या क्या सेवाएं लोगों तक पहुंचाई हैं, गरीब आशाओं की किस तरीके से मदद की है। सर, जो ये कोरोना महामारी की मार है वो न सिर्फ अजमेर शहर, राजस्थान प्रदेश, हिंदुस्तान, बल्कि पूरे विश्व की लगभग हर कंट्री में ये फैल चुकी है और महामारी का रूप ले चुकी है। चूँकि सद्गुरु ग्रुप न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग देशों में अपना कारोबार और सामाजिक सरोकार कर रहा है और मैं यहाँ उपलब्ध हूँ अजमेर में, तो सद्गुरु ग्रुप ने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में 3 अलग अलग टीमें गठित की। पहली टीम का नेतृत्व मैंने, मतलब आरडी थारवानी, और मेरे साथ एक डायरेक्टर हैं भरत नियलानी। इस टीम ने, जैसे हमने एरियाज डिवाइड कर लिए, जैसे माकड़वाली हुआ, लोहागल हुआ, कुछ डाणियाँ हुई, शास्त्री नगर के कुछ एरिया हुआ, जी ब्लॉक के पीछे है रामदेव जी की बस्ती या शमशान घाट के पीछे, इस तरीके से लगभग ये वाला वैशाली नगर वाला और एरिया और इस वाली तरफ की एरिया और दौलाबाटा की कुछ एरियाज हमने चिन्हित करके ऑन एन एवरेज हर तीसरे दिन हम रोटेशन से वहाँ फूड पैकेट्स बांटते रहे। दूसरी टीम जो है वो सेवा क्लिनिक, जो हम सेवाराम लालचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट में क्लिनिक रन करते हैं, फ्री में सेवाएँ देते हैं, उनकी ट्रस्टी जो सुश्री आशा लालचंदानी है, सेकंड टीम का नेतृत्व उन्होंने किया, उन्होंने अपने अपने एरियाज में फूड पैकेट बांटे। और तीसरी टीम का नेतृत्व धन्नारी ई कॉमर्स की डायरेक्टर हेमा खेमानी ने किया। उन्होंने पुष्कर की विभिन्न बस्तियां, कोटड़ा और आपका बोराज गांव, गोटा बस्ती, अजय नगर वगैरह अलग अलग, उसमें मेरे को खुशी है, उन्होंने मुझे बताया था कि आपने भी बड़ी मदद की, आपने अलग अलग जगह बताया और जिन जिन बस्तियों का बताया वहाँ सचमुच वो ज़रूरत थी, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ सद्गुरु ग्रुप की तरफ से कि हमें वो एरियाज़ बताए। आज तक का जो हमारा रिकॉर्ड बोलता है सुशील जी, अराउंड 70,000 फूड पैकेट्स हम अजमेर और पुष्कर की विभिन्न बस्तियों में बांट चुके हैं, जिसकी सहायता राशि लगभग 1 करोड़ को पार कर चुकी है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि इस महामारी में जो सबसे ज़्यादा भगवान का रूप देवदूत बन के आए हैं वो हमारे लिए मेडिकल हेल्थ से डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी है और सफाई कर्मचारी, आप मीडिया पर्सन्स, आप सब लोगों ने इस महामारी को फैलने से काफ़ी हद तक रोक लिया। और काफ़ी हद तक अगर वो हिंदुस्तान में कंट्रोल हुआ है तो ये जो पिलर्स बने हैं,
या एडमिनिस्ट्रेशन जो दिन रात लगा हुआ है, न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, फैमिली की भी चिंता छोड़ दी है, खाने पीने की चिंता छोड़ दी है और जन सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं तहे दिल से उनके लिए हैट्स ऑफ बोलता हूँ कि वो बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए अपने आप को झोंके हुए हैं। तो देवनानी साहब ने हमें बताया कि वहाँ किट्स की ज़रूरत है। देखिए, हम इस तरीके से एक एक जगह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं आ सकती कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। जैसे आप लोग बताते हैं कि यहाँ फूड पैकेट्स की ज़रूरत है, तो आपके साथ मेरी टीम 2-3 बार चली है। तो हम 100 PPE किट्स आज SP महोदय श्री राष्ट्रदीप जी को हम देके आए थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अलग अलग जगह इनको अपने पुलिस में ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को दें ताकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं और PPE किट्स की वजह से थोड़ी बहुत रक्षा उनकी हो सके। हालांकि वो इतना फुल प्रूफ है, अच्छी क्वालिटी का है, वन पीस था। ऐसे ही कल हमने 50 PPE किट्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, उनको दिए और 50 PPE किट्स हमने CMHO हेड KK सोनी साहब को दिए हैं। तो इस तरीके से हमने ये PPE किट्स भी अलग अलग जगह बांटे हैं, उन मुखियाओं को दे दिए हैं ताकि वो अपने डिपार्टमेंट में वितरित कर सकें। इसके बाद हमें लगा कि हम PM रिलीफ फंड में भी उनका हाथ मजबूत करें, जो हम कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे हम कर रहे हैं। तो एक चेक आज हमने देवनानी साहब को दिया है PM रिलीफ फंड के लिए, उन्होंने PM अकाउंट में जमा करा दिया है। और एक चेक हमने आज कलेक्टर महोदय श्री विश्व मोहन शर्मा जी को भी दिया है CM रिलीफ फंड में। और सुशील जी, मैं ये बड़े फ़ख्र के साथ और ख़ुशी के साथ आपके साथ ये साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि PPE किट्स और ये जो लास्ट के दो डोनेशंस हैं, हमने एक छोटा सा मेल अजमेर में जो सदगुरु ग्रुप के, हम एम्प्लॉयज़ तो नहीं बोलते हैं, हम उनको मेंबर्स बोलते हैं, दे आर फैमिली मेंबर्स टू अस, हमने उनको एक छोटा सा मेल डाला। चूँकि 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि फूड पैकेट्स और बाकी प्रशासन में भी हमने बीच में कुछ चेक प्रोवाइड कर दिए थे, कुछ और भी बैग्स हमने प्रोवाइड किए थे लाइक आटे के, शुगर के और ऑयल के पैकेट्स वगैरह। तो हमने एक छोटा सा मेल बना के भेजा कि इस महामारी में PPE किट्स और इसके लिए जो कोई वॉलंटरी देना चाहे, चाहे वो 500 दे, 1000 दे, 2000 दे, इच्छा से, मन से, कोई किसी तरीके कोई बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि विद इन 2 आवर्स ऑफ शॉर्ट पीरियड वो 3 लाख से ज़्यादा का अमाउंट इकट्ठा हुआ, जिसको देने में मुझे उस 1 करोड़ से ज़्यादा की खुशी हुई कि यूथ में भी आज वो भावना है कि हम समाज के लिए क्या करें। वैसे तो मेरी ये भावना है कि हम पैदा यहाँ हुए हैं, पले बड़े यहाँ हैं, तो मिट्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। बट आज देखो, यूथ के लिए भी अगर मन में, यूथ के मन में भी ये भावना है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि यहाँ का युवा बढ़ चढ़ कर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, और जब ऐसी महामारी का दौर आया है तो वो भी कहीं पीछे नहीं हटना चाहता। सदगुरु ग्रुप, आप जैसे भामाशाह और व्यापारी अजमेर के अंदर हैं, इसीलिए जो गरीब असहाय लोग थे जिनको हम भी पहचान पाए उन तक आपने मदद पहुँचाई, उसके लिए MPTV इंडिया भी आपको साधुवाद करता है। लेकिन मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2.0 तक मदद आपकी जारी रही, लॉकडाउन 3.0 कल से शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या लॉकडाउन 3.0 में भी सदगुरु ग्रुप अपनी मदद देता रहेगा? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ऑलरेडी 2 चैरिटेबल ट्रस्ट रन करते हैं, एक है शेवाराम लालचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट और एक है सदगुरु एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। न सिर्फ अभी बल्कि पूर्व में भी हम ब्लड डोनेशन कैंप या शिवाराम लालचंदानी ट्रस्ट में हम फ्री मेडिसिन, फ्री ड्रिप, फ्री ट्रीटमेंट 365 दिन हमारा चलता रहता है, जिसके लिए मुझे 3 बार कलेक्टर महोदय ने भी
अवार्ड दिया हुआ है और सीएम महोदय ने भी मुझे इस चीज़ का सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि आप अजमेर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए मैं मैडम कीर्ति पाठक का भी साधुवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि वह भी समय समय पर हमें संपर्क करती हैं। स्पेशली मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे ही संपर्क करते हैं और वो जहाँ जहाँ मुझे जैसे जैसे बोलते हैं, अभी जैसे नगर निगम में वो फूड पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका आज शायद लास्ट डे है, तो उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ जहाँ वो बोलते हैं हम जाते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वापस दोहराना चाहता हूँ कि हम लॉकडाउन 3 में भी इसी तरीके की गतिविधियाँ जारी रखेंगे, हम किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, कोशिश करेंगे। मेरा अब सवाल आपसे थोड़ा सा आर्थिक चुनौतियों को लेकर भी है, क्योंकि आप एक व्यापारी भी हैं और आपका जो ग्रुप है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। ऐसे में आर्थिक हालात कितने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं देश के और दुनिया के? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज़, जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो बट नेचुरल है ग्लोबली वो सारा इफ़ेक्ट आएगा और हिंदुस्तान पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ चुका है। देखिए, सारे सेक्टर का हाल ख़राब है, टूरिज़्म बिगड़ चुका है, फ्लाइट्स रेडी होंगी नहीं, स्टार्ट होंगी नहीं, ट्रेन्स होंगी नहीं, होटल इंडस्ट्री का हाल भी बहुत ख़राब है, रेस्टोरेंट में आदमी घबरा के जाएगा नहीं, ट्रैवल बहुत कम से कम करेगा, जहाँ ज़रूरी होगा वहीं होगा, वहीं करेगा, रेडीमेड गारमेंट्स हुआ नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिससे 28 इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड होती हैं। आज अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलती है तो आप देखिए, ब्रिक्स भी काम आता है, सीमेंट भी काम आता है, स्टील भी काम आता है, आपके टाइल्स भी आती हैं, वायरिंग भी होती है, एसी भी होता है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे। इसके लिए सरकार को कुछ रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे, हालांकि फेज़ वन में वो दे चुके, सेकंड की उनकी तैयारी है, बट अभी और भी बहुत सारी उनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, लाइक टैक्स बेनिफिट देने पड़ेंगे, जीएसटी का कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, कई कई जैसे लाइट बिल्स में कई टैक्सेस ऐसे होते हैं उनमें कहीं कोई रिलैक्स करना पड़ेगा, होटल इंडस्ट्रीज़ को बूम करने के लिए कुछ ना कुछ उनको आगे एक्टिविटीज़ देनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत तकलीफ में आएंगे। यानी कि राज्य और केंद्र की दोनों सरकारों को कोई ना कोई एक बड़ा आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। डेफिनेटली। क्या उम्मीद रखी जाए कि हॉस्पिटलिटी, रेस्टोरेंट लाइन और रियल एस्टेट सेक्टर, जिससे कि बूम आए, थोड़ा सा इसमें उछाल आए, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि एज अ व्यापारी, एज अ बिजनेसमैन, आप कोई सुझाव ऐसा दे सकते हैं जो सरकार उसको अमल में लेकर आए? देखिए, हम बहुत पॉजिटिव हैं, वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर रात के बाद सूरज उगता है। ऐसा हो नहीं सकता अंधेरा हो जाए फिर उजाला नहीं आए, या अगर सूरज डूबे चांद आए और चांद के बाद वापस सूरज नहीं आए। तो इसके लिए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे मिनिस्टर्स, जो ऊपर पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, वो ग्राउंड लेवल की स्थिति और उस लेवल की स्थिति सब समझते हैं। एक ज़रूर भावनात्मक फैक्टर मैं बता सकता हूँ जिसमें अगर किया जाए, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपने भी देखा होगा कि आज कोई एक आह्वान होता है कि साहब आर्मी ये काम कर रही है, तो आपने भी देखा होगा बड़ी तालियां बजती हैं, आदमी वॉलंटरी हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, या आज भले थाली बजाने का था, शंख बजाने का था, आपने देखा ऐसा लगा जैसे कोई दिवाली का माहौल हो गया, दीपक हो गया। व्हाट आई फील पर्सनली, मेरी खुद की सोच है, मैं मेरी पर्सनल सोच बोलता हूँ कि हमें कुछ ऐसी देशवासियों से अपील करनी पड़ेगी कि अब हम कोई भी काम करें तो हिंदुस्तान के बिजनेस को, हिंदुस्तान के फ्यूचर को देखते हुए करें। लाइक मैं बोलूं, जैसे घूमने के लिए बात है,
आप वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में हम घूम चुके हैं, अधिकतर 65 देशों में सदगुरु आज की डेट में अपना बिजनेस कर रहा है। आप अगर विदेशों में जाएंगे सुशील जी, तो वहाँ एक आर्टिफिशियल क्रिएट किए जाते हैं सीनेरिक व्यूज़, ये वो, उनके पास नेचुरल सीनेरिक व्यूज़ बहुत कम होते हैं, दे क्रिएटेड इट। हिंदुस्तान में वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अजमेर को ही ले लीजिए, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, अनासागर है, पुष्कर है, पहाड़ियाँ हैं, फाईसागर है, आपके इतनी अलग अलग स्पॉट्स हैं जिनको अगर प्रॉपर साफ़ सफाई, प्रॉपर उसका प्लानिंग करके उसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाए, तो हम पहला तो ये करें कि देशवासियों के मन में करें कि अगर किसी को घूमना है, टूरिस्ट ऐसा घूमना है, तो आप विदेश यात्रा न करके देश में ही घूमें। तो आप देखिए, जो हमारे फंड्स बाहर चले जाते हैं वो इंडिया में रह जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, ब्रांडेड खरीदते हैं, कोई भी इम्पोर्टेड खरीदते हैं, बेहतर है पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान की चीज़ें खरीदें। आज जो भी चीज़ खरीदें ना, कोशिश कीजिए आप, मे बी 50% हो, 60 हो, 70 हो, ऑटोमेटिक रेवेन्यू जनरेट होगा, ऑटोमेटिक हमारी जगह टूरिस्ट स्पॉट जो है वहाँ के होटल चलने लग जाएंगे, रेस्टोरेंट चलने जाएंगे। डोमेस्टिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बशर्त इंटरनेशनल के। अच्छा, क्या ऐसी उम्मीद की जाए कि क्योंकि आप पूरी दुनिया में काम कर रहा है आपका ग्रुप, और हिंदुस्तान, और जिस तरीके से इस कोरोना वायरस के लिए कहा जा रहा है, चाइना को दोषी करार दिया जा रहा है, अभी तक जो जानकारियां आ रही हैं, ऐसे में क्या जब कोरोना का लॉकडाउन हटेगा तो हिंदुस्तान क्या मेड इन इंडिया और स्वदेशी की ओर तेजी से बढ़ेगा? आपने बहुत अच्छी बात बताई ये, और ये मेरे मन की बात बोल दी ऑलरेडी। आप देखिए, आप तो मीडिया के मास्टर हैं, आप ऑलरेडी मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आप तक आ चुकी है कि इन हंड्रेड्स ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से मूव होके अलग अलग कंट्रीज़ को सर्च कर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो उनके लिए एक रेड कारपेट वाला काम करें, लेकिन उसमें ये देखें कि हिंदुस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हिंदुस्तान की सरजमीं को डेवलप किया जाए, जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो मैक्सिमम री इन्वेस्ट हिंदुस्तान में ही हो। तो इस तरीके से जैसे जापान ने डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना में से जो इंडस्ट्रीज़ बाहर आती हैं उनको हम इतने फंड्स देंगे, तो वाई नॉट टू अट्रैक्ट दोज जापानीज कंपनीज़ कि वो हिंदुस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, लेकिन साथ में इंश्योर भी करें कि वो कमा के वापस बाहर न ले जाएं, बशर्त इधर ही लगाएं, और इस बहाने एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकन कंपनीज़ भी रेडी हैं यहाँ आने के लिए। बिल्कुल, यही कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए सरकार एक बार फिर से आर्थिक चुनौतियों से पार पा सकती है, और जो दिक्कतें आने वाले समय में हिंदुस्तान को आने वाली है उससे पार पाया जा सकता है। अजमेर का व्यापारी पूरी तरीके से तैयार है, आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से जो कोरोना लॉकडाउन के बाद चुनौतियां आएंगी उससे निपटने में पूरी तरीके से तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। जैसे कि सद्गुरु ग्रुप के राजा थरवानी बता रहे हैं कि लगातार जो चुनौतियां उनके सामने आएगी उससे वो पार पाएंगे, कोशिश करेंगे, सकारात्मक माहौल तैयार किया जाएगा। थरवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए, और लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अजमेर के समाजसेवी संस्थाएँ भामाशाह और कई लोग किस तरीके से असहाय गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये मदद इंसानियत को जिंदा रखती है। थैंक यू। आज के लिए केवल इतना ही।